नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप मध्य प्रदेश की होने वाली त्रैमासिक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर में भाग लेने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं 75 नंबर का जो आपका पेपर है, सेट ए कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मदद करने वाले रहेंगे। चलिए, तो बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास भी, पढ़ना भी है, देखना भी है, समझना भी है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग का। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, तो ये रखी गई थी शिव धनुष तोड़ने की। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? ये होता है महाकाव्य में। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? माँ के आंचल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए भी मिल जाएंगे, जिससे आप जल्दी से क्या कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। न्यू मान के चलिएगा, रिविज़न हम कर रहे हैं। प्रियोपात के जनक अज्ञ माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यहाँ पर पहले वाले का जयशंकर प्रसाद, सॉरी यहाँ पर जो लिख दिया है वो गलत लिख दिया है। प्रयोगवाद के जनक जो हैं अज्ञ है, अज्ञ लिखेंगे आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अज्ञ, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे कबीर के। जगदीश का संदेश विच्छेद होगा जगत दनीस। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, देख लीजिए नाम भी बता देते हैं तारकेश्वर नाथ। जोड़ी मिला लेते हैं, तो जोड़ी मिलाएंगे स्टूडेंट्स प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन, 24 मात्राओं वाला छंद दोहा, कई अंक वाली रचना जो होती है नाटक होती है, यतीन्द्र मिश्र को आप मिलाओगे नौबत खाने में इबादत, उल्लू बनाना, मुर्गे बनाना, भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? श्रृंगार वर्णन। संचारी वायु संख्या कितनी मानी गई है? 33। नेताजी की मूर्ति पर सरकंड का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगाया होगा। हाथ मलना का क्या अर्थ है? पछताना होता है, अभी बता दूंगा अर्थ। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? ये 3 होती है, ठीक है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गया? तो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गया। चलिए सत्यापत्य देख लेते हैं, सभी सत्यापत्य। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, बिल्कुल सत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, असत्य हो जाएगा। बिस्मिल्ला खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, असत्य, स्थान का बोध होता है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा थोपी, बिल्कुल सत्य। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, जरूरी नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बता दिए सभी क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को ये PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप सभी देखिएगा ध्यान से, सभी क्वेश्चनों के आंसर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं स्टूडेंट्स। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कौन से क्षेत्र, कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपना प्यारा सा नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हो सके आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं बोला जाएगा, मत करिए, घंटी के बटन कॉल पर करना है,
नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वीडियो संस्कृत विषय जो भी आपके पेपर हैं मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।